वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। दोस्तों मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अमेज़फिट GTR 3 के बारे में, उसका दोस्तों प्रो एंड कॉन्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या आप लोगों को यह स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए या फिर नहीं। और जी हाँ, जानता हूँ ये बहुत ही लेट हो गया है, ये स्मार्ट वॉच बहुत ही पहले लॉन्च हुआ था, पर आप एक तरह से आप आफ्टर वन ईयर रिव्यू मान सकते हो इसे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग GTR 3 Pro पे इंटरेस्टेड हो तो वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जरूर से चेकआउट करना, मेरे चैनल में हो आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी एक अच्छा वीडियो है, उसके बारे में भी मतलब उस वॉच के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया हूँ, तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी एंड तक देखते रहना। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर से दबा देना, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 2K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रो पॉइंट यह है कि दोस्तों इसमें आप लोगों को जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी मिलती है, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलने वाले बैटरी लाइफ मिलते हैं, एटलीस्ट 10 to 14 डेज प्लस ऐसी बैटरी लाइफ आप लोगों को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों मैं बता दूं, इसके पूरे डिटेल स्पेक्स वगैरह के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये बस प्रो एंड कॉन्स के लिए वीडियो होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रो पॉइंट की तरफ, वो है दोस्तों इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अमेज़फिट के जितने भी स्मार्ट वॉच ले लोगे वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ही रहता है, बजट सेगमेंट में रहता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अमेज़फिट के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट जो प्रो पॉइंट है वो है दोस्तों इसका कस्टमाइजेशन ऑप्शन, बहुत सारे आप लोगों को कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं इस स्मार्ट वॉच के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं कुछ भी चीज़ से तो ये स्मार्ट वॉच आपके आपको वो बोर होने नहीं देगा। नेक्स्ट प्रो पॉइंट ये है कि दोस्तों इसमें आप लोगों को जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, डिज़ाइन में ही साथ में वेट भी है, डिज़ाइन और वेट बहुत ही अच्छा है दोनों, डिज़ाइन तो बहुत ही क्लीन और मिनिमल सा आप लोगों को डिज़ाइन मिलता है, साथ में जो वेट है वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही लाइट वेट है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी वॉच में हाथ में फील भी नहीं होगा कि आप एक स्मार्ट वॉच पहने हुए हो। बहुत सारे ऐसे स्मार्ट वॉच होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं वेट की वजह से, पर इसमें आप लोगों को वैसा कोई भी फीलिंग नहीं होने वाला है। तो ये थे दोस्तों इसके प्रो पॉइंट्स। अब बात करेंगे इसके कॉन क्या है, तो कॉन मैं बता दूँ कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम कॉन्स हैं प्रोज के मुकाबले में। तो सबसे पहले अब कॉन ये है कि इसमें आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मिलते हैं। जी हम मतलब कि आप ज़्यादातर ऐप जैसे कि जो मेन ऐप्स है व्हाट्सएप वगैरह उससे तो नोटिफिकेशन मिलेंगे, पर जो बाकी ऐप्स है हेल्थ ऐप ऐसे है उससे ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलते हैं, तो ये इसका कॉन है। और जो नेक्स्ट कॉन ये है कि दोस्तों इसमें आप लोगों को जो HR रीडिंग है, HR रेटिंग तो आप समझ ही होंगे, हार्ट रेट रेटिंग मतलब हार्ट रेट का जो मेजर करके आप लोगों को जो बताता है एनालिसिस पूरे डिटेल कि कितना आप लोगों का हार्ट रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने टेस्ट किया है, बहुत सारे डॉक्टर लोग थे जो खरीदे थे और उन लोगों को जो मशीन से जो एक्यूरेसी मिल रहा था वो इस पर नहीं मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग देखने को मिल रहा था, और साथ में इनकंसिस्टेंट भी है, जिसका मतलब है कि दोस्तों एक बार कोई और रीडिंग दिखा रहा है, दूसरा बार कोई और रीडिंग दिखा रहा है, तो ये बहुत ही बुरी बात है स्मार्ट वॉच की। तो अगर आप स्पेशली हेल्थ के लिए कंसर्न हो, स्पेशली अगर आप हेल्थ के लिए एक स्मार्ट वॉच खरीद रहे हो तो आप ये स्मार्ट वॉच को जस्ट इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हेल्थ रिलेटेड उतना अच्छा अच्छा फीचर नहीं मिलता है आप लोगों को, इंस्टेड आप कोई स्मार्ट बैंड के लिए जा सकते हो। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को स्मार्ट वॉच पसंद आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। वेल दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूँ। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबा कर तोड़ डालना, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 2K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।